अब एक सवाल आपके फोन से जुड़ा हुआ, क्या आप भी टेलीग्राम नाम का ऐप यूज करते हैं? एक ऐप है टेलीग्राम, आपने बड़ा सुना होगा उसके बारे में, क्योंकि आजकल ये चर्चा है कि क्या टेलीग्राम बहुत जल्द बंद हो जाएगा और क्या भारत सरकार भी टेलीग्राम पर बैन लगाने वाली है। फ्रांस में टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल दोरोव की गिरफ्तारी के बाद अब भारत सरकार भी उन आरोपों को लेकर गंभीर हो गई है जो इस मैसेजिंग ऐप पर पश्चिमी देशों की जांच एजेंसियों ने लगाए हैं, और इसीलिए इस ऐप के इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर को फ्रांस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि टेलीग्राम की मदद से गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, फेक न्यूज फैलाई जाती है, इस पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, पोर्नोग्राफी हो रही है और आतंकवाद समर्थित सामग्रियां और कंटेंट को बढ़ावा इस पर दिया जा रहा है, और इस कंपनी के सीईओ पावेल दोरोव इसे रोकने में नाकाम रहे हैं, जिसके कारण फ्रांस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो फ्रांस में उन्हें 20 साल जेल की सजा हो सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस कंपनी के मालिक को, फाउंडर को और सीईओ को जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो फिर इस कंपनी का भविष्य क्या होगा? इन्हीं आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है, और सूत्रों से हमें पता चला कि भारत सरकार अब ऐसी तमाम शिकायतों की जांच करवाएगी जिनमें यह आरोप लगे कि टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के साथ पॉर्न वीडियोस देखने के लिए भी हो रहा है। और ये आरोप सही साबित होते हैं तो भारत सरकार भी आने वाले दिनों में इस ऐप पर प्रतिबंध लगा सकती है और भारत में टेलीग्राम को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन आप जानते हैं इससे पहले हमारे देश में टिकटॉक भी बंद किया जा चुका है। क्या टिकटॉक की तरह टेलीग्राम भी बंद हो जाएगा? दुनिया में इस समय 95 करोड़ लोग इस टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करते हैं और इनमें सबसे ज्यादा 10 करोड़ लोग भारत से हैं, 3 करोड़ 40 लाख यूजर्स रशिया से हैं, 2 करोड़ 72 लाख इंडोनेशिया, 2 करोड़ 68 लाख अमेरिका और 2 करोड़ 20 लाख यूजर्स ब्राजील से हैं, जबकि टेलीग्राम के कुल यूजर्स में से सिर्फ 0.7% यानी 65 लाख यूजर्स ही फ्रांस के हैं। सोचिए, जिस फ्रांस के टेलीग्राम पर 1% यूजर्स भी नहीं है, वो फ्रांस इस कंपनी के सीईओ को अपने एक एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेता है, जबकि जिस भारत के इस ऐप पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, वहां इस गिरफ्तारी से पहले टेलीग्राम ऐप की कोई चर्चा तक नहीं हो रही थी, जबकि भारत में इस ऐप का इस्तेमाल बहुत गंभीर अपराधों से लेकर आतंकवादी घटनाओं के लिए होता रहा है। याद कीजिए, अगस्त में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करके आने वाले आतंकवादी बातचीत के लिए टेलीग्राम का ही इस्तेमाल करते हैं, उनका मन पसंदीदा ऐप है। इस ऐप पर अब भी कई आतंकवादी संगठनों के अकाउंट्स और चैनल्स बने हुए हैं, और कुछ समय पहले तक इसी टेलीग्राम ऐप पर जैश ए मोहम्मद का भी अपना खुद का चैनल था जिसके हजारों सब्सक्राइबर्स थे, और आतंकवादियों की ही बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में इसी साल कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा यूपी पुलिस की हुई थी और जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, बहुत बड़ी खबर बनी थी, उसमें अपराधियों ने इसी टेलीग्राम का इस्तेमाल किया था, और आपको याद होगा वो जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ वो टेलीग्राम ऐप पर ही हुआ था। इसके अलावा यूजीसी नीट का क्वेश्चन पेपर भी इसी टेलीग्राम ऐप की मदद से लीक हुआ, और अगर आप देखेंगे ज्यादातर हमारे देश में जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं उन सब में आपको टेलीग्राम का नाम जरूर मिलेगा। भारत में अभी जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उनमें से अधिकतर इसी टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल करके हो रहे हैं, और यह ऐप पोर्नोग्राफी को भी बढ़ावा देता है। इस ऐप पर ऐसे कई टेलीग्राम चैनल्स हैं जो वीकली और मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर लोगों को अश्लील कंटेंट भेजते हैं, और भारत में अभी पॉर्न वीडियोस और ड्रग ट्रैफिकिंग का को जो बढ़ावा मिल रहा है उसकी जड़ में बहुत बड़ी भूमिका इस टेलीग्राम ऐप की है। भारत और पश्चिमी देशों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अगर भारत इस ऐप को अपने लिए खतरा मानकर इसे बंद कर दे या इसके सीईओ को गिरफ्तार कर लेता तो इस बात पर बहस छिड़ जाती दुनिया में कि भारत ने लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की हत्या कर दी, फ्री स्पीच की हत्या कर दी। लेकिन फ्रांस को लेकर दुनिया में बहुत कम देश ऐसा कह रहे हैं, और इस मामले में फ्रांस को ज्यादातर पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस गिरफ्तारी से राजनीति का कोई लेना देना नहीं और यह मामला 100% कंटेंट मॉडरेशन का है। कंटेंट मॉडरेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी प्लेटफॉर्म पर होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों और आपत्तिजनक कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने से रोका जाता है, और फ्रांस का कहना है कि टेलीग्राम
ऐसा करने में नाकाम रहा, इसलिए इस कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया जो अपने प्राइवेट जेट से फ्रांस के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया था। यह बात सही है कि टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी कंटेंट और आपराधिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सोशल मीडिया पर सिर्फ यही इकलौता ऐसा ऐप है जो इस तरह के गैर कानूनी कॉन्टेंट को बढ़ावा देता है? तो इसका जवाब है नहीं। इस बात को आप इस रिपोर्ट से समझिए जो इसी साल प्रकाशित हुई। इसके मुताबिक अकेले अमेरिका में चाइल्ड अब्यूज और पोर्नोग्राफी के लिए आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए सबसे ज्यादा यूट्यूब से 13 करोड़ 30 लाख पोस्ट, वीडियोस और अकाउंट्स डिलीट किए गए। यूट्यूब के बाद टिकटॉक से 11 करोड़ 10 लाख, फेसबुक से 5 करोड़ 70 लाख, इंस्टाग्राम से 1.5 करोड़ और स्नैपचैट से 21,70,000 पोस्ट, वीडियोज और अकाउंट्स को डिलीट किया गया था और टेलीग्राम इस लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था। लेकिन सोचिए क्या इसी तरह के गैर कानूनी कॉन्टेंट को सोशल मीडिया पर बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों के सीईओज को भी कभी पश्चिमी देशों में गिरफ्तार किया जा सकता है? नहीं किया जाएगा। इससे आप इन देशों के दोहरे मापदंडों को समझ पाएंगे। असल में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और व्हाट्सएप जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अमेरिका के हैं और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वही हो रहा है जो टेलीग्राम पर होता है, लेकिन इन कंपनियों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं होती क्योंकि ये अमेरिका से है। टेलीग्राम ऐप रशिया का है और टिकटॉक चाइना का है। रशिया के ऐप के खिलाफ कार्रवाई आपने कर ली, आपने चाइना के खिलाफ कर ली, लेकिन अपने देश में जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। एक बड़ा सवाल आज फ्री स्पीच का भी है जिसका ये बड़ी बड़ी कंपनियां फायदा उठाती हैं, क्योंकि तमाम बड़ी कंपनियां ये कहती हैं कि हम फ्री स्पीच को बढ़ावा देते हैं इसलिए हमें हाथ मत लगाइए, हम प्राइवेसी की रक्षा कर रहे हैं इसलिए हमें हाथ मत लगाइए। इन तमाम कंपनियों ने एक ऐसा एल्गोरिथम बनाया है जिसमें यह ताकत इन कंपनियों के पास होती है, यह पावर उन कंपनियों के पास होती है कि वो किसका नैरेटिव आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी विचारधारा आप तक पहुंचाना चाहते हैं, कौन सी विचारधारा को दबा देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए रशिया और यूक्रेन में किस विचारधारा को आप तक पहुंचाया जाएगा, इसराइल और गाजा के युद्ध में किसका पक्ष आप तक ज्यादा पहुंचेगा, बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना में से किसका पक्ष लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा और किसका दबा दिया जाएगा, भारत में किस पार्टी और विचारधारा का नैरेटिव आप तक पहुंचेगा, किसका नहीं पहुंचेगा, कौन सा कंटेंट वायरल हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा, ये सब कुछ ये टेक कंपनियां तय करती हैं जिसे ये अपने एल्गोरिथम के हिसाब से उस कंटेंट को पुश करती हैं और इसे बड़ी चालाकी से ये फ्री स्पीच का नाम देती हैं। और आज पूरी दुनिया में फ्री स्पीच और प्राइवेसी के नाम पर लोगों में ये गैस लाइटिंग की जा रही है और लोगों को वो सच दिखाया जा रहा है जिस सच को ये टेक कंपनियां अपने चश्मे से सच मानती हैं। तो पहले ये तय करती हैं कि क्या सच है, क्या दिखाना है, क्या नहीं, फिर उसे फ्री स्पीच के नाम पर आप तक पहुंचा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्री स्पीच और प्राइवेसी, आपसे कहा जाता है कि आपकी प्राइवेसी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, चाहे आप गैर कानूनी गतिविधियां भी कर रहे हैं, और प्राइवेसी और फ्री स्पीच के नाम पर ये सारी टेक कंपनियां आपके घरों में घुस चुकी हैं, आपके दिमाग में, आपके परिवार में घुस चुकी हैं।